जिंदगी में बेहतर परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस की बड़ी जरूरत होती है। बिना इसके शायद अपनी जिंदगी में आप अपना बेस्ट ना दे पाए, दैट्स द पॉसिबिलिटी। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि वो बेस्ट परफॉर्म अपना दे सकता है। लेकिन यहां पर कंडीशन है, कॉन्फिडेंस को कैसे रेज किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, दैट्स द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। वेल देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो वहां पर हमारे मन में एक मेंटेलिटी होती है एक्सटर्नल वैलिडेशन की। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब होता है कि बाहर का आदमी कोई वैलिडेट करे कि यस, जो काम आप कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, ये आपको उस हिसाब से रिस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से मिले। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपके जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन से बहुत मतलब नहीं होता। वो इस चीज की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते कि नहीं हम कौन सा बात करें इससे कि इससे इसका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हो। नो, इन द नेबरहुड या आप जहां पे रहते हैं आपके जो कॉलीग्स हैं उनको बहुत ज्यादा आपके काम से मतलब नहीं होता। तो यहां पर जरूरी है कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन का जो पॉइंट है उसको हटा दें। अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं वहां पर कंटिन्यूअस फोकस करें, वहां पर कंसिस्टेंटली एफर्ट डालें। अपना जो वर्जन है, जो आपका स्टर्डे का जो वर्जन है उसकी तुलना में थोड़ी परफॉर्मेंस टुडे आज की ज्यादा बेहतर रखें। और कंटिन्यूअसली जब आप एफर्ट्स डालेंगे तो धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो अप होगा। जब आपका लेवल धीरे धीरे अप होगा तो कुछ दिनों बाद जब आपका लेवल काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, आप दिखाई देने लग जाओ कि यस, यू आर द बेटर वर्जन ऑफ योर लाइफ, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल वैलिडेशन ही मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, अर्ली टाइम में कॉन्फिडेंस के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन को बिल्कुल ट्राई ना करें। आपको बाहर के लोग आपके रिस्पेक्ट करें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाहर के लोग आपके द्वारा किए काम की सराहना करें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो फोकस ऑन योर वर्क, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालिए, कंटिन्यूअस रीज अपने अंदर लाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल गेट एवरीथिंग। बट अर्ली पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। वर्क वर्क एंड वर्क, फोकस ऑन योर वर्क, डेफिनेटली आपका जो बेटर वर्जन आएगा तो सब आपको वैलिडेट भी करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। ऑलराइट, तो ये रहा डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट बिलो।